नमस्कार दोस्तों, मैं आपका स्वागत करती हूं अपने चैनल पे। आज मैं आपको एक ट्रैक पे लेके जाऊंगी जो कि ओखरे हीले वर्से ट्रैक कहलाता है। ये वेस्ट सिक्किम में है। ये सफ़र आपको प्रकृति के और भी करीब लेके जाएगा क्योंकि सिक्किम एक बहुत ही खूबसूरत जगह है जहां एक तरफ तो पहाड़ हैं और दूसरे तरफ जंगल। जलपाईगुड़ी से हम लोग कार लेकर ओखरे पहुँचे। ये पहुँचने में हमें 4 से 5 घंटा लगा। ओखरे बहुत ही खूबसूरत जगह है। हम लोग यहाँ शाम तक पहुँच चुके थे और एक होम स्टे हम लोगों ने पहले से ही बुक कर रखा था। होम स्टे बहुत ही खूबसूरत था। हमारे साथ यहाँ पे और भी 7-8 फैमिलीज थे। ब्रेकफास्ट करने के बाद हम लोग हिले पहुंचे। हिले से बरसे का दूरी 5 किलोमीटर है। हिले से ही ट्रैक की शुरुआत होती है। ट्रैक का रास्ता भी अच्छा है, आप आराम से चलते हुए वर्षे पहुंच जाएंगे। मेरे साथ यहाँ पे और भी 6-7 फैमिलीज है, इसीलिए हम लोग आराम से बातें करते करते अपने ट्रैक को आरंभ करते हैं। यहाँ मेरे साथ और एक लड़का है जो ब्लॉगर है, वो भी मेरे साथ यहाँ ब्लॉगिंग कर रहा था। उसका नाम ओसिक है, उसका भी यूट्यूब चैनल है। यहाँ पे ट्रैक करने के लिए मैं इससे पहले भी आ चुकी हूँ। करीबन 12 साल पहले मैं यहाँ पे इससे पहले एक बार ट्रैक कर चुकी हूँ और ये मेरा दूसरा बार ट्रैकिंग फिर से यहीं पे है। यहाँ पे एक चीज़ बहुत अच्छी लगी, यहाँ के जो डस्टबिन्स हैं वो भी इको फ्रेंडली हैं। अब देखिए ये किस तरह से बैम्बू स्टिक्स का बना हुआ है और बीच बीच में ये लगा हुआ है। इसमें आप अपने प्लास्टिक्स के बॉटल या जो भी चिप्स के पैकेट्स वगैरह हैं वो फेंकिए। बहुत अच्छा मुझे लगा ये। ऊपर एकदम हील पे चढ़ जाने के बाद यहाँ पे एक होम स्टे भी है, आप यहाँ रह सकते हैं। कुछ खाने के लिए मैगी या फिर कुछ छोटा मोटा चीज़ बिस्किट्स वगैरह आप ले सकते हैं। यहाँ पे रहने का भी इस तरह से टेंट लगा हुआ है, लेकिन हम लोग यहाँ से 1-2 घंटे के बाद निकल जाएंगे। हम लोग यहाँ पे आए, बच्चों ने यहाँ पे मैगी खाया, हम लोग थोड़ा सा इधर उधर घूमने के बाद फ्रेश होने के बाद यहाँ से रिटर्न चले जाएंगे। यहाँ पे आप 2 या 3 बजे के उसके अंदर ही नीचे चले जाना चाहिए क्योंकि उसके बाद यहाँ पे फिर बारिश होती है।
तो हम लोग भी उसी तरह से नीचे चले गए थे। अगर आप भी यहाँ आने का सोच रहे हैं तो पहले से ही आप अपने बुकिंग्स वगैरह कर लें। यहाँ पे होम स्टे आपको मिल जाएगा, आने जाने के लिए भी वो लोग सारे व्यवस्था कर देते हैं। तो अगर आप आना चाहते हैं तो सीज़न यहाँ पे अप्रैल का महीना रहता है, आप उसमें आना ही अच्छा होगा। अदरवाइज समर वेकेशन में भी आप आ सकते हैं। हम लोग तो समर वेकेशन में ही यहाँ आए थे, लेकिन यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा ठंड है, इसलिए आप अगर यहाँ आए तो सब कुछ स्वेटर टोपी मोजे जूते सब लेके आए और एक अम्ब्रेला ज़रूर लाएं। आपको और भी कुछ जानना है तो आप कमेंट करके पूछें, मैं जवाब दूंगी। और दोस्तों, अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।